तो भैया ये बंदा है हमारे घर में घुस गया बिना किसी से किसी की इजाजत से, मतलब चोरी करने आया पता नहीं, जबरदस्ती आ गया ये हमारे घर पे। क्या 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 है ये? क्या दिया है ये? इसके पास मिला है, ये इसके पास मिला है, ये बदबू है, नशे वाली है, ये पता नहीं क्या कौन सा है। बच्चों को दे रहा था, कह रहा चिंगम है, ये बच्चों को बबल गम देना है। देख लीजिए इसको ध्यान से, यही है बंदा। ये दरवाजा बंद करके बैठा, ये हमारे छत पे से चढ़ा ये ऊपर, देख लीजिए ऊपर, ये मतलब हमारा दरवाजा भी बंद था, और क्या नाम उसका, ये हमारी विंडो से अंदर बढ़ा है। चार बंदों पकड़ा उसने, चार बंदों पकड़ा, फिर भी इतनी पावर थी इसके। हमने इसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, हमें बांधा इसको, जे पकड़ा से आठ बंदे ने फड़े नु, इतनी बदबू है, बच्चों को दे रहा है, कहना बबलगम बच्चे ढूंढ रहा है। एक बंदे को भी गिरा देता, एक बंदे को गिराने लगा था, इतना जोर से धक्के दे रहा था जैसे एक बंदे को, एक बंदा भी गिर जाता है। बड़ा भेजो भेजो मी नहीं पता कुदा कुदा मी नहीं पता कुदा कुदा फौजी साहब हूं पहली बारी नाम है मैं अपने हाथ में गली दिखा मैं सर कर बाबू बंद कर मी पहली बार दिखा मैं गली तो आएगा ऊपर और ले ले तो हां ये ले ले ये बबल काम दे रहा तो मैं इस समय सैनी मोहल्ला लेन नंबर 5 में हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे लोग इकट्ठे हैं। कारण ये है कि यहाँ पर कोई एक अननोन आदमी घुस आता है इस मोहल्ले में और सीधे किसी के छत के ऊपर चला जाता है, और इन लोगों के कहने अनुसार वो बच्चों के बारे में पूछ रहा था। अब क्या पूरा मामला इनसे पूछते हैं, क्या हुआ सरदार साहब बताएंगे आप? सर एक लड़का जो आदमी कमीज नहीं डाली उसने, खाली पजामा डाला, सीधा आया, ये सभी शॉप पे गए थे, हम भी अंदर खाना खा रहे थे, सीधा पौड़ियाँ चढ़ा ऊपर चढ़ गए, किराएदार ऊपर रहते थे, उन्होंने लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बच्चे ढूंढ रहा, एक पैकेट फटा उसमें छड़ी बदबू, इतनी मुश्किल ना पता नहीं क्या था उसमें, कह रहा बच्चों को चिंगम देने हैं, बच्चे को फिर इधर ये भाई ये लड़का ये बच गया, नहीं तो छत से गिर जाना था ये था, इसके साथ इसके हाथों पाई हुई, इसने आवाज़ लगाई, फिर सभी ने आवाज़ चीखे मारने शुरू हो गए, फिर मैंने और इसने मैं आया, फिर एक ये भैया आए, हमने पकड़ा, तीन बंदों से नीचे नहीं आ रहा था वो, ये इसको धक्का मारा, ये नीचे गिर जाना था इसने, बड़ी मुश्किल बचा, फिर नीचे लाया उसको, बड़ी मुश्किल खींच के लाया, फिर आगे आगे रख गया, आगे नीचे आ गया था बस, नीचे आया फिर उसको बांधा, फिर उसको हमने भी बहुत जोर लगा रहा था, वो बहुत जोर लगा रहा था, किसी के संभल नहीं रहा था, चार पांच बंदे आया था, कुछ पता था ये, कुछ पता नहीं चला, लिफाफा पकड़ा था, बच्चों को बबल गम दे रहा था, बबल गम खा रहा, और क्या पता उसमें क्या था, क्या नहीं क्या पता, बच्चा उठा के ले जाता हमारा, तो इतने बच्चे हमारे घर में 7-8 बच्चे हैं, क्या पता उठा के ले जाता नहीं ले जाता, बबल गम उसके पास थे, पानी बबल गम नहीं था उसमें, पानी क्या था मेडिसिन, वो फोटो भी हमारे वीडियो पड़ी हुई है, वो आपको मैं दूंगा, उसमें वीडियो बनाई हुई है, पानी क्या पैकेट में, वो पुलिस को भी हैंड ओवर कर दिया मैंने, तो उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसको मारा भी, अब ऊपर से पानी क्या क्या बोलता है समझ नहीं लग रहा, ऊपर से ना अपने वस्त्र भी उतार रहा था, पहले टी शर्ट तो डाली नहीं थी, तो वो पजामा चढ़ा था, पजामा भी उतार रहा था, फिर हमने उसको तो फिर हमने उसको दो तीन हमने छोड़ दी, फिर क्या करना था, फिर वो इतना जोर था कोई साल भी, फिर उसको बांधा हमने, बांध के फिर पीसीआर को आपको भी कॉल किया, पीसीआर को फिर पुलिस आई, हाँ पुलिस आई और पुलिस ले गई, हैंड ओवर कर दिया उसको। ये पूरा एक मामला सामने आया, पता नहीं कौन आई अननोन आदमी जिसके पास कुछ कागज में कुछ था, और पता नहीं कह रहे हैं कि बच्चों को कुछ दे रहा था खाने को, अब पता नहीं क्या बात है, पूरा मामला, और पुलिस ने अभी फिलहाल यहाँ से उस आदमी को ले गए हैं, अब वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम काम पे चले जाते हैं, घर पे कोई नहीं होता, लेडीज होते बच्चे होते हैं, तो ऐसे कोई अननोन पर्सन अंदर घुस जाए तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर कोई बच्चे को ले जाए, इतनी बदबू, बच्चों को बच्चा बेहोश हो जाए ले जाए, फिर छोटे क्योंकि डर थोड़ी होता है, इतना क्या कर सकते क्या नहीं, वो तो कोई भी चीज पकड़ाएगा बच्चों को, बच्चे तो खा लेंगे, हम तो सारा दिन काम पे होते हैं, हमें पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तो शाम को ही आते हैं ना,
ये इसकी जानकारी होनी चाहिए सबको। बिल्कुल, ये पूरा मामला मैं पुलिस से भी कहूंगा। कल किसी और के घर में घुसे क्यों? गली वाले मोहल्ले वाले बोल रहे थे छोड़ दें उनको, तो कैसे छोड़े? आज हमारे घर में पता घुसा है तो हमें पता है कि कैसे अकेला घुसा। ये लड़का ऊपर से गिर जाता, एक बच्चा लेकर पीछे दे दे, ये लड़का ऊपर से गिर जाता, इसका परिवार तो गया था। ये भाई साहब ने बताया, बाद में इसका हाथ जो है भैया के हाथ में आ गया था, इसलिए लड़का बच गया, नहीं तो छत के नीचे से गिर जाना था। उसने धक्का दिया था बड़ी जोर से। ये पूरा मामला अभी कुछ देर पहले का है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये सैनी मोहल्ला लेन नंबर 5 है। मैं पुलिस से भी कहूंगा कि यहाँ पर कुछ पेट्रोलिंग करें, अगर इस तरह के कोई अननोन आदमी घूम रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहें जेके मीडिया, धन्यवाद, राम राम।